Yes, dear students, now we will move some more problems in properties of triangle. Look at this. In a triangle ABC, if cot A, cot B, cot C are in AP, correct? Cot A, cot B, cot C are in AP. Then A square, B square, C square are in where? जो इनके sides के square हैं वो AP, GP, HP या कहाँ पे होंगे? ठीक है? So what is given according to question? Cot A, cot B, cot A, cot B and cot C are in AP. This is are in AP. So we know in AP what happens? 2 times of cot B. 2 times of cot B equals to cot A plus cot C. Can we write? ठीक है? अब ये cot का जो formula है half angle में, तो ये half angle तो दिख नहीं रही है. तो इसमें cot के लिए हमने कोई result नहीं बनाया है properties of triangle में. तो इसे हमें cos और sin में convert करना होगा. And then we will use cosine formula and sine formula. ठीक है? So we will have 2 cos by sine. ठीक है? And here it is cos A by sine A plus cos C by sine C. Correct dear? Now don't take LCM. Don't simplify. Just put the values of cosine and sine root. So cos B we know that. That is A square plus C square minus B square upon 2AC. साइन बी वी नो दैट साइन बी को आप क्या लिख देंगे के बी ठीक है साइन बी बाय बी इक्वल्स टू के होता है तो वी कैन राइट बी के हियर करेक्ट सेम वे कॉस ए वी कैन राइट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी अपॉन ए के प्लस कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी साइन सी सी के ठीक है सो यू कैन कैंसल के के फ्रॉम ईच प्लेस कैन यू कैंसल के ठीक है सो नाउ व्हाट लेफ्ट टू टू गेट कैंसल अब सिंप्लीफाई कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू टू नहीं भी काटा तो भी चलेगा रहने दीजिए सिंप्लीफाई करने में इजी होगी सो टू इट इज हियर बी विल गो टॉप ठीक है तो टू बी आ गया ये और ये हो गया दिया 2ac इक्वल्स टू यहाँ पे भी एलसीएम आ गया आपका 2abc ठीक है ना और ये b यहाँ पे भी 2abc सो यहाँ हो गया दिया 2b स्क्वायर c स्क्वायर गेट कैंसिल a स्क्वायर गेट कैंसिल सो 2b स्क्वायर ठीक है यहाँ पे भी आप देख लें 2abc 2abc गेट कैंसिल सो वी हैव 1bb कैंसिल करेक्ट चेक करते जाइए कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए सो दिस इज नथिंग बट टू टू मैंने यहाँ कैंसिल नहीं किया ठीक है सो टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक बी भी कैंसिल हो गया सो समवेयर वी हैव डन सिली मिस्टेक यहाँ टू ए बी सी आ गया डियर दिस इज बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर एंड टू ए बी सी हमने इधर एलसीएम लिया है बी सी ए बी सी यहाँ रह जाएगा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रह जाएगा डियर ठीक है यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने को देयर वी हैव टू बी स्क्वायर लेफ्ट टू बी स्क्वायर ठीक है या एक जगह ठीक से कर लो यार इसको ना किच किच नहीं करना है एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए ये आ गया डियर टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी सी ए बी सी ठीक है और यहां पे हो गया टू ए बी सी एलसीएम सो दिस इज टू बी स्क्वायर लेफ्ट ठीक है सो टू बी स्क्वायर टू टू कैंसिल भी कर देंगे ऐसे ये कैंसिल कर दीजिए ए टू ए टू इसके साथ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया टू बी स्क्वायर ठीक है तो ए बी सी कहां पे आ गया एपी में राइट सो एपी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ये कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करिए ठीक है ना सिंप्लीफाई होके ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर आ गया यानी कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में था मैंने एपी यूज किया फिर कोसाइन साइन में लगाया कोसाइन के फॉर्मूला डालेंगे साइन का फॉर्मूला डाला एंड देन बी सिंप्लीफाइड ठीक है डियर नेक्स्ट देखते हैं सिचुएशन आइए नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं
in triangle ABC, in triangle ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी में ए माइनस बी होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी बाई टू, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? सो हियर यू हैव कॉस सी बाई टू और साइन सी बाई टू भी दिख रही है, ठीक है। तो मन तो हो रहा है कि हाफ एंगल भी यूज करें, सो हाफ एंगल में डियर साइड्स हैं नो डाउट, तो उससे भी आप जा सकते हैं, हाफ एंगल भी यूज करके कर सकते हैं, या फिर यू कैन गो बाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑल्सो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कैसे, इसको एक्सपैंड कर दीजिए, इसको एक्सपैंड कर लीजिए और तब क्लब कीजिए। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो ए स्क्वायर, इसके अंदर कॉस स्क्वायर मिलेगा, इसको साइन स्क्वायर मिलेगा। आई कैन राइट कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू, देन आई विल गेट बी स्क्वायर। सो हियर आई विल गेट अगेन कॉस स्क्वायर सी बाई टू एंड हियर ऑल्सो साइन स्क्वायर सी बाई टू, इसको भी एक्सपैंड किया। अब यहाँ से माइनस टू ए बी एक मिल रहा है कॉस स्क्वायर सी बाई टू, और यहां से मिल रहा है 2ab sin square c। यहां तक क्लियर हुआ है ये एक्सपेंशन, ठीक है। होल स्क्वायर ब्रेक करके कलेक्ट कर लिया ए स्क्वायर कोफिशिएंट, बी स्क्वायर कोफिशिएंट और ये लेफ्ट रह गया, ये कितना हो जाएगा 1, दिस इज आल्सो 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे आप क्या करें, माइनस 2ab कॉमन ले लीजिए, माइनस 2ab, so what left cos square c by 2 minus sin square c by 2, find it, I took minus common, why, because this will come a formula, cos c ka formula is standard, so this is nothing but a square plus b square minus 2ab cos c came, correct, aur ye kya hota hai dear, this is the formula of c square, cos cos c mein c square aata hai, I told you in cos c result, this way also you have to remember the result. So this is nothing but what? C square, cosine C ka formula ke andar, this will come C square. So C square is the correct option. See, you can go by half angle also. Half angle karke bhi aap kar sakte ho. Cos C by 2 or sin C by 2 ka half angle laga do. And then you simplify. To wahan pe chances thodi hoti hai ki calculation mein chances hoti hai ki garbad ho jaye. But here straight away, whole square thoda, whole square thoda. कोफिशियंट कलेक्ट किया, यहाँ पे माइनस टू ए बी कॉमन, सो वी हैव अगेन कॉस सी रिजल्ट एंड दीज आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी एंड दिस वी नो विच इज सी स्क्वायर, फाइन डियर। आइए नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। ऐसे प्रॉब्लम ही एनडीए के लेवल में है, इससे डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारे रिजल्ट पता होने चाहिए, साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल, फाइन, ये रिजल्ट पता होना चाहिए आपको। इन ट्राइंगल एबीसी, सी कॉस स्क्वायर ए बाय टू प्लस ए कॉस स्क्वायर सी बाय टू, एस 2s, 3s, 4s, where s is semi-perimeter, ठीक है। तो जब ये एस एस पे ऑप्शन है तो हाफ एंगल इज द राइट चॉइस, ठीक है, हम हाफ एंगल ही प्रेफर करें, करेक्ट। सो लुक एट दिस, c इंटू कॉस ए बाई टू एंड ये स्क्वायर है तो रूट देने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी एंगल प्लस a इंटू cos square c2 में s into s minus c upon ab, fine, so straight away आपने half angle use कर लिया, so c and c get cancel, a and a get cancel, LCM is going to be b, fine, so यहाँ पे s into s minus a plus s into s minus c left, s you can take common, so what left, s minus a plus s minus c, 2s minus a minus c upon b, and 2s minus a minus c क्या होता है, 2s we know that a plus b plus c, ठीक है, so 2s a minus c क्या हो जाएगा, 2s a minus a is b, so this is going to be s into b upon b, b get cancelled left with s,
S is the correct answer, the same perimeter. So again, half angle of cosine. अगर half angle cosine आपका learn है, so will definitely you will get the answer. See, these are problems of NDA there. ये NDA में ऐसे problem ही आए हुए हैं. इसमें हमें बहुत worried होने की जरूरत नहीं है. ठीक है? Basic formula control कीजिए, you will get the problems of NDA. Next. और इंटरेस्ट रखिए इस एरिया में. ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो है बहुत स्कोरिंग है. ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब में बहुत स्कोर करेंगे आप. हाँ, टेक अ इंटरेस्ट, बहुत सारे सम्स बनाइए. करेक्ट, कुछ नहीं है, कुछ रिजल्ट आप दिमाग में रखोगे तो यू कैन गेट द सम. इन ट्राइंगल एबीसी, यू हैव इन ट्राइंगल एबीसी इफ 2 sin a by 2 sin c by 2 equals to sin b by 2, then abc are in ap, gp, hp, nl. ठीक है? So in triangle abc this relation is given. Correct? So what we have to show? We have to show that abc are in ap. Fine. तो अभी दिख रहा है straight away कि half angle use करना होगा, बट स्ट्रेट अवे रूट डाल के, जो साइन ए बाई टू का रूट में डाल के रिजल्ट है, साइन ए बाई टू सब रूट में है, या तो वैसे लिखिए या इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट गेट कैंसिल. सो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट 4 स्क्वायर कर दिया, 4 साइन स्क्वायर ए बाई टू, साइन स्क्वायर सी बाई टू एंड साइन स्क्वायर बी बाई टू. करेक्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड. अब हमें क्या हो गया डेयर, साइन ए बाई टू का स्क्वायर, तो रूट विदाउट रूट आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज एस माइनस बी, s minus c upon bc into s minus a s minus b upon ab is equals to s minus a s minus c upon ac. ठीक है? This we have written the sin square a by 2, sin square a by 2, sin square c form. Now see, some term get cancelled. A we get cancelled here, c also we can get cancelled. S minus A, S minus A, S minus C, S minus C. So left with 4 into S minus B square upon B square. Correct? This left or and this is 1. Correct? Can we write? So 4 into S minus B whole square equals to this one. So what you can write? 2 S minus B. Also you can write B. B square is earlier. तो रूट किया तो यानी 2 टाइम्स ऑफ s माइनस b इक्वल्स टू b एंड 2s माइनस b में यहां पे क्या हो जाएगा डियर, 2s माइनस 2s माइनस 2b इक्वल्स टू b. 2s इज a प्लस b प्लस c, हियर इट केम 3b. सो फाइनली a प्लस b प्लस c, a प्लस c इक्वल्स टू 2b. सो abc आर इन वेयर, ap. करेक्ट? सो इफ यू यूज हाफ एंगल फार्मूला and after simplifying, what we have observed, we get ABC are in AP. Fine dear? So sin A by 2, sin C by 2, sin B by 2, को मैंने पहले square कर दिया, so that root का कोई problem नहीं रहा. आप root लेके भी कर सकते हैं, root का formula डालिए, फिर square तो करना ही पड़ेगा. Correct? So now squaring, and then we have used the sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2. And after simplification, it appeared that ABC are in, sides are in where? AP. Fine? So now we will move to some more problem. Look at this. Calculation करें carefully, values, formula, ये सब ध्यान पे रखना है. Now in triangle ABC, 2AC sin of a minus b plus c upon 2 is, options are these are option. So in triangle abc, किसी triangle abc में 2ac into sin of this given है, तो उनके sides के बीच में से इनमें से कौन सा relation satisfy होगा या
ये कंडीशन दी हुई है तो इनमें से वन ऑफ द करेक्ट आंसर वी हैव टू चूज, उनके साइड्स कैसे रिलेट होंगे। ठीक है, सो पहले मैं इस एंगल की ओर आता हूँ। सो वी नो इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, करेक्ट, अंडरस्टूड। सो नाउ यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी है, तो ए माइनस बी के लिए क्या करना पड़ेगा डियर, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी, सो हियर ऑल्सो माइनस टू बी, करेक्ट। सो दिस कम्स ए वॉट, ए प्लस सी माइनस बी 180 माइनस टू बी, फाइन। अब मैं इस एंगल की वैल्यू को क्वेश्चन में डालता हूँ, सो टू ए सी साइन 180 माइनस टू बी अपॉन वॉट टू, ठीक है, तो दिस बिकम्स वॉट, टू ए सी 90 माइनस बी बिकम्स कॉस बी, टू ए सी कॉस बी बन गए डेयर, एंड कॉस बी फॉर्मूला वी नो दैट कोसाइन का फॉर्मूला एवरग्रीन है, सो दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑन टू ए सी, सो दिस गेट कैंसिल लेफ्ट विथ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी इफ 2ac into sin a minus b plus c by 2 अगर इस तरह से रिलेटेड है तो उनके बीच के साइड्स का रिलेशन कैसे आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइन। आपने इस एंगल पे वर्कआउट की, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, ये आपने वर्कआउट किया a प्लस सी माइनस बी 180 माइनस टू बी, वी सब्स्टिट्यूटेड हियर डिवाइड बाई टू 90 माइनस बी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड वी हैव अप्लाइड कोसाइन फॉर्मूला, करेक्ट। सो आई बिलीव टिल हियर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आने चाहिए आपको, यहाँ पे कोई ऐसा कंजूसी नहीं कि नहीं सर अपने से नहीं होगा, दीज आर वेरी बेसिक एंड सिंपल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आइए एक और सिचुएशन देखते हैं। In triangle ABC, if C square equals to A square plus B square, then 4S इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ S into S minus A, S minus B, S minus C, दीज आर ऑप्शंस, करेक्ट। सो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिए हुए हैं, तो इसके देने से हमें एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल सी इज 90 डिग्री। ठीक है, दिस रिलेशन इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो एंगल सी केम 90 डिग्री, दिस इज श्योर। नेक्स्ट, अब हमें एंगल सी 90 मिल गई, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये भी बताया अपने को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी That we all of you know 1/2, अगर एंगल सी है तो ए बी साइड ले ले और साइन 90 ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए बी साइन सी, फॉर्मूला है अपने पास। अब हम आते हैं अपने डिमांड पे, ये जो डिमांड है ये क्या दिख रहा है अपने को, अगर मैं इस पर रूट डालूँ तो दिस बिकम एरिया। ठीक है, तो मैं इस पर अगर रूट डालूंगा तो ये एरिया हो जाएगा, हेरोंस फॉर्मूला, और मुझे वही चाहिए, और मुझे ये एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें साइड का रिलेशन पता लग जाएगा डियर, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको स्क्वायर करता हूँ, सो नाउ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और साइन 90 तो 1 है, दिस इज 1, करेक्ट। नाउ ए स्क्वायर, अब मैं ए स्क्वायर किया तो अप टू हियर ये मिल गया, ए स्क्वायर इज दिस 1 और 4 यहां पड़ा हुआ है। ठीक है, 4 याद है, मगर मैं 4 को इस साइड ले लूं, 4 a square, what left? a square b square, and 4 a square is what? This much, जो आपके question का demand है, a is area, so what left? This is equals to a square b square, so this is the answer. ठीक है, carefully देखिए, area of triangle ABC के वो जो 1/2 ab sin c का formula था, this I have used, and then इसी result को यहाँ पे ए स्क्वायर फॉर्मेट किया, स्क्वेयरिंग किया,
और ये स्क्वायरिंग इस 4 को इधर लाया, 4 ए स्क्वायर, एंड 4 ए स्क्वायर इज द क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 और ए स्क्वायर है, विदाउट रूट है ये, सो 4 ए स्क्वायर इज द डिमांड, सो 4 ए स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. फाइंड इट, अंडरस्टूड? आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर, करेक्ट. आइए एक सम और करते हैं. If in a triangle ABC, A is 6, B is 3, and cos A minus B is 4 by 5, then the area of triangle ABC. These are options. So in triangle ABC, what are the information given? A equals to 6, B equals to 3, and cos A minus B is 4 by 5, then area of triangle ABC chahiye. Option is 16, 9, 7, 5. अब बड़े carefully इस तरह के problem में आपको समझ के लेना होगा. A और B दो sides हैं, cos A minus B है, ठीक है. A और B sides हैं, तो एक अगर angle होता तो हम 1 by 2 AB sin C से calculate कर लेते area. But I don't have a one angle. Here it is cos A minus B. तो अब अगर हमें एक एंगल मिल जाए, सो द जॉब डन. अब इस एंगल को निकालने के लिए देर अपने को नेपियर्स को कॉल करना पड़ेगा. नेपियर्स में ए और बी रहता है, टैन बी ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कॉट सी बाई टू, ठीक है. सो नेपियर्स इज द राइट टूल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, करेक्ट. फॉर दिस व्हाट वी रिक्वायर, टैन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी की जगह हमें टैन ए माइनस बी बाई टू चाहिए. तो वो कैसे आएगा, वी हैव फॉर्मूला कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन विच इज 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू. ये पता है हमें कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू, दिस इज गिवन 4 बाई 5, और ये आ गया 1 माइनस टैन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू, ठीक है. इसको या तो आप x ले लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगी 1 बाई 3. सो टैन ए माइनस बी बाई टू विल गेट 1 बाई 3, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट, ठीक है. अप टू हियर, सो टैन ए माइनस बी बाई टू इज 1 बाई 3, फाइन. अब मैं नेपियर्स लगाता हूँ. नेपियर्स क्या कहता है, टैन ए माइनस बी बाई टू इज नथिंग बट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू, ठीक है. टैन ए माइनस बी बाई टू इज 1 बाई 3, वी हैव ए और बी, सो ये 3 और ये 9 इंटू कॉट सी बाई टू, ठीक है. सो यहां से अपने को क्या मिल गई, कॉट सी बाई टू इज 1 विच इज कॉट 45, सो सी क्या आ गया डेयर 90 डिग्री, सी बिकेम्स 90 डिग्री. तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ले सकता हूँ 1 बाई टू ए बी इंटू साइन सी, 1 बाई टू ए बी कितनी दी हुई है, ए 6, बी 3, साइन सी साइन 91, सो दिस इज गोइंग टू बी 9 स्क्वायर यूनिट, चेक इट. सो वी हैव यूज्ड व्हाट, Napier's analogy in this problem. So, in triangle ABC, ABC was AB given, C was missing side, cos A minus B by 2, cos A minus B is given 4 by 5. So, मैंने क्या बोला आपको, area of triangle ABC चाहिए था, तो एक angle चाहिए था मुझे, तो 1 by 2 AB sin C लगा देता मैं, तो वो angle ही ढूंढने के लिए मैंने Napier's को choose किया, but Napier's को लाने के लिए अपने को tan A minus B by 2 लाना था, हमने कॉस ए माइनस बी से कॉस का इन टर्म्स ऑफ टैन यूज करा, यहां से मैंने टैन ए माइनस बी बाई टू कैलकुलेट किया विच केम 1/3, टेक पॉजिटिव 1/3, एंड देन साइड्स आर वैल्यूज आर गिवन, फ्रॉम हियर वी गॉट सी 90 डिग्री, एंड देन वी हैव यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/ab साइन सी, ठीक है. डियर
सो टुडेज लेक्चर में आज मैं इतने दूर तक के सम्स करूंगा. इन सब वीडियोस को आप देखें, प्रैक्टिस करें, कुछ मैं होमवर्क दूंगा, दैट सम्स ऑल ऑफ यू ट्राई, करेक्ट. नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के प्रॉब्लम्स होंगे एंड देन एट द एंड वील स्टार्ट बेसिक ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो विल मीट नेक्स्ट क्लास, वील गो सम मोर प्रॉब्लम्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और एट द एंड इनवर्स से स्टार्ट करूंगा मैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है डियर. सो मीनवाइल यू लुक एट गो थ्रू ऑल द वीडियोज एंड जो होमवर्क दिए हुए हैं, पुराने पेंडिंग होमवर्क पड़े हैं, दैट ऑल्सो यू कैन आस्क मी इन डाउट सेशन. ठीक है. डाउट आप, मैंने कल भी बोला था, एक्चुअली संडे को मैंने इवनिंग में इसलिए बोल दिया बिकॉज हमारे यहाँ लाइट चली गई, सो वी डोंट हैव लाइट संडे पूरी रात, करेक्ट. सो यू कैन आस्क डाउट एनी टाइम. ठीक है. अगर डाउट है तो जरूर पूछिए. थैंक यू वेरी मच, करेक्ट. टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ और इन्जॉय कीजिए. ठीक है. और एक मिसिंग, एक बच्चे ने पूछा था एक दो सम जिसका मुझे वीडियो लेक्चर में बना के भेजना था, तो मैं उसको वीडियो बना के भेज देता हूँ, वो व्हाट्सअप में ही भेज दूंगा मैं. दो सम उन्होंने पूछा है कि उनका मुझे वापस समझा के दीजिए वो डाउट सेशन का, सो दैट आई विल सेंड इट इन व्हाट्सअप. ठीक है. सो फाइन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड डे डियर.